वाओ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बनी आ रही? हेलो हेलो, चलो अज्यूम करते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है। अब आ गई रिकॉर्ड। अच्छा हाँ शहीदा, पूछना क्वेश्चन अपना। स्क्रीन शो होगी तो स्क्रीन शो भी होगी। स्क्रीन शो होनी चाहिए, नहीं हो रही शो सबको? अच्छा अब होगी, अब होगी, हो रही है सर, शो हो रही है। होगी। सर पता नहीं यहाँ पे नेट का इशू है या आपकी तरफ मेरी बिल्कुल तरफ नेट भी इशू बहुत है, लैग है। मेरी तरफ भी इशू है। यस और सर, बहुत आवाज कट रही है आपकी। आप चलो बताना क्वेश्चन। कह रहा था कि आपने कहा ना आइसेंट्रोपिक अगर होगा तो प्रेशर तो सेम होगा, तो फिर टेम्परेचर के केस में भी ऐसे ही होगा ना कि वो भी सेम होगा इनटेक पे। और नहीं, फ्लो दोनों आइसेंट्रोपिक हैं। अगर ये जो सब सोनिक से वापस सब सोनिक जा रहा है, या सब सोनिक से सुपर सोनिक जा रहा है, ये सारा फ्लो आइसेंट्रोपिक है। ये कर्व भी आइसेंट्रोपिक है, ये कर्व भी यस आइसेंट्रोपिक सर, है। और क्योंकि हमने अपनी नोजल की ज्योमेट्री ऐसी रखी है कि उसके इनलेट पे जो क्रॉस सेक्शन था, वो उसके एग्जिट पे भी वही क्रॉस सेक्शन है, एरिया वो सिमेट्रिक है। तो इसलिए जो मिरर इमेज। सब सोनिक के लिए जो इनलेट पे कंडीशन थी ना, वही एग्जिट पे होंगी। और अगर फ्लो आइसेंट्रोपिक है, जिस तरह इस केस में है, तो ये लाजमी होगा कि जो इनलेट पे कंडीशंस हैं वही एग्जिट पे हैं फॉर सब सोनिक फ्लो। और फॉर सुपर सोनिक, लेट्स से मैं इस फ्लो को अगर मैं आइसेंट्रोपिकली सुपर सोनिक करना चाहता हूं ना, तो मैं इधर, मेरे पास प्रेशर क्या है, 0. लेट्स से 3 है। तो मैं इसको यू नहीं कर सकता था 0. अगर मैं बैक प्रेशर इसको 0.25 दूंगा ना, तो ये फ्लो आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगा, ये फ्लो उस तरह बिहेव नहीं कर पाएगा जिस तरह यहां पे कर रहा है। अगर मैंने फ्लो को यहां पे चोक करवाना है कि उसका मार्क नंबर 1 हो थ्रोट पे, और फिर वो सब सोनिक हो या सुपर सोनिक हो, तो मुझे बहुत ही स्पेसिफिक बैक प्रेशर देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वही देना पड़ेगा जो यहाँ पे है, प्रेशर है, विच इज रफली 0.98, और यहाँ पे मुझे 0.3 कह रहा हूँ, सॉरी 0.03 है, ये 0.03 देना पड़ेगा। मैं कोई भी रैंडम प्रेशर की वैल्यू नहीं दे सकता फ्लो को आइसेंट्रोपिकली सुपरसोनिक बनाते। इसी तरह मुझे आइसेंट्रोपिकली जब मैं उसको वापस सबसोनिक करूंगा, सुपरसोनिक करूंगा, मुझे बड़े स्पेसिफिक मार्क नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे मुझे 0.17 ही मिलेगा जो कि इनलेट पे था, और यहाँ पे मुझे 2.7 ही मिलेगा। इस ये हमने एक एग्जाम्पल देखी है, एग्जाम्पल 11.9, 11.10 फॉर सुपरसोनिक एंट्री, 11.9 जिसमें हमने इसमें सब सोनिक एंट्री की है, 11.9 में सुपरसोनिक एंट्री हो रही है चोक फ्लो की, और जो 11.10 है उसमें जो फ्लो है वो सब सोनिक अनचोक्ड फ्लो है। वो किस तरह का होगा? उसमें मैक नंबर 1 पे नहीं आया होगा तो। हाँ, अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का फ्लो होगा। वो पहले यू एक्सेलरेट होगा और मार्क नंबर 1 नहीं अचीव करेगा, और फिर वो वापस डिसेलरेट हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज होगी। ठीक है, अब यही जो पॉसिबल फ्लोज हैं ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये आपके पास सबसोनिक अनचोक्ड फ्लो, ए से बी से सी। ठीक है, आप हम ओवरऑल किस तरह करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, फिर पॉइंट सी पे जाएंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, वापस पॉइंट सी पे आ गए, विच इज ऑल्सो पॉइंट ए, एरिया रेशियो वाइज। ठीक है, ये जो हमने अभी नोजल देखी है ना, जो थी एक्स प्लस 5 से माइनस प्लस 0.5 से माइनस पॉइंट यस फाइव और उसकी एक ज्योमेट्री थी, ये वही नोजल है, सर, ये वही नोजल है। ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं कि उसमें किस किस तरह के फ्लोज हो सकते हैं, और हर नोजल में इसी तरह का पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लोज हैं वो सिमिलर है। एक है आप सब सोनिक से स्टार्ट करें, आप चोक फ्लो की तरफ ना जाएं, उससे पहले ही
आपके मतलब कह लो वो कन्वर्जिंग पार्ट इतना है ही नहीं या बैक प्रेशर इतना है ही नहीं कि उसको चोक फ्लो कर सकता, और आप वापस आ गए इस पॉइंट पे। तो दिस इज सबसोनिक अनचोक्ड फ्लो। ये आप सबसोनिक से स्टार्ट किया, आप चोक्ड फ्लो आपने अचीव किया, बट वापस आपका बैक प्रेशर इस तरह का था कि आप वापस सबसोनिक रेंज में आ गए, ठीक है। मार्क नंबर आपका 1 से बड़ा नहीं है। इसके लिए क्या होगा, मेरा इनलेट पे प्रेशर और जो मेरा बैक प्रेशर होगा वो बराबर होगा। तो ये आपके पास हो गया सबसोनिक चोक फ्लो। अब ये आप इसमें ए से स्टार्ट, ए बी सी, सी पहले कर लेते हैं। अब आप सबसोनिक से आपने स्टार्ट किया, आपका फ्लो चोक्ड हुआ, पर आप फिर सुपरसोनिक फ्लो में चले गए क्योंकि आपके यहाँ पे बैक प्रेशर जो था वो कम था। डी में आप उसका ऑपोजिट है, आप सुपरसोनिक से स्टार्ट किया, आपने फ्लो को चोक्ड किया और आप वापस सुपरसोनिक में ही रहे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें एक्चुअली आपका बैक प्रेशर उसी तरह कम होगा। फिर आपके पास डीई, सुपरसोनिक से स्टार्ट किया, आप चोक्ड फ्लो पे पहुंचे, फिर सबसोनिक में चले गए और फाइनली आपने सुपरसोनिक से स्टार्ट किया पर आप चोक्ड फ्लो पे नहीं पहुंचे और वापस सबसोनिक में ही रहे, सुपरसोनिक में ही रहे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लो पॉसिबिलिटीज है। अब इनमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, फॉर गिवन स्टैग्नेशन स्टेट, आइडियल गैस या कोई भी गैस है, एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आप क्या अजम्पशंस ले रहे हैं? आपके पास स्टैग्नेशन कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर रहे, आप आइडियल गैस या जो भी आपकी गैस है उसको चेंज नहीं कर रहे, आप इंश्योर करेंगे फ्लो आइसेंट्रोपिक है, और आप जो डक्ट है उसको भी चेंज नहीं कर रहे। एयर आपने ली, आपने एक स्पेसिफिक डक्ट ले ली, ठीक है, अब आप इंश्योर करेंगे फ्लो आइसेंट्रोपिक रहे, तो आपके पास जो फ्लो पॉसिबिलिटीज है ना वो ये है। इसी साइड में जो मैंने लिखा है ना ये मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो 1, 2, 3 इधर देख लेते हैं, मार्क नंबर किधर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये 6 फ्लोज है, जो ये 1, 2 फ्लोज है, इनमें क्या डिफरेंस है? एक सुपरसोनिक, एक क्रिटिकल, सुपरसोनिक। हाँ मैं कहूँ अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक तरह के फ्लोज हैं, और ये 1 और 2 ये 2 डिफरेंट फ्लोज, ये 2 एक तरह के फ्लोज हैं, तो इन 2 और बाकी 6 में क्या फर्क है? सर वो मिरर, एक मिरर लिखिए सर, इन एक में सर 2 चोक हो रहे हैं। मिरर इमेजेस तो सारे ही हैं, लेकिन क्या है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चोक्ड फ्लोज नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्क नंबर 1 नहीं जा रहा है, इसमें सुपरसोनिक है तो वो सुपरसोनिक ही रह रहा है, सबसोनिक है तो वो सबसोनिक ही रह रहा है, और मार्क नंबर 1 भी अचीव नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अगर सबसोनिक चोक फ्लो करवाना है तो मैं 1, 2, 3 इसी तरह, और बहुत सी ऑप्शंस है मेरे पास। ये सर ये बैक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जो आप अगर हम मैं सिर्फ यहां पे बात करूं ना तो यस, आप ये देख सकते हैं, इधर देख लो, ये मैं एक प्रेशर चेंज करता जाऊं तो मेरे पास बहुत डिफरेंट तरीके के ये फ्लोज बनेंगे। ये जो हमारे पास कौन से हैं, सबसोनिक अनचोक्ड फ्लोज सबसोनिक, इसी तरह सुपरसोनिक अनचोक्ड फ्लोज भी बहुत ज्यादा है। बट अगर मैंने अनचोक्ड फ्लो में सबसोनिक से सुपरसोनिक या सुपरसोनिक से सबसोनिक नहीं शिफ्ट हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि उसने मार्क नंबर 1 से होके दूसरी तरफ जाना है, और सबसोनिक और सुपरसोनिक में अनचोक्ड फ्लो में मार्क नंबर 1 अचीव ही नहीं कर रहे। सही सही सही, ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। बट अगर मैं चोक फ्लो चाहता हूं तो उसके लिए सिर्फ स्पेसिफिक फ्लोज है। अगर मैंने अपने फ्लो को चोक्ड करवाना है और लेट्स से सुपरसोनिक से
सुपरसोनिक रखना है तो मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन है, यूं फ्लो आएगा और यूं चला जाएगा। एक स्पेसिफिक बैक प्रेशर है जिस पे चोक फ्लो सुपरसोनिक टू सुपरसोनिक चोक फ्लो होगा। एक स्पेसिफिक बैक प्रेशर है जिस पे फ्लो सुपरसोनिक टू सबसोनिक चोक फ्लो होगा। अगेन एक स्पेसिफिक बैक प्रेशर जिसमें फ्लो सबसोनिक टू सबसोनिक रहेगा, और एक स्पेसिफिक बैक प्रेशर जिसमें फ्लो सबसोनिक से चोक होके सुपरसोनिक में जाएगा। अरे बैक प्रेशर कहाँ से आता है, ये हम कैलकुलेट करके यार, यही हम आप अभी जो हम सारा समझ रहे हैं ना उसमें अब ये ज़ूम कर लें कि जो हमारे पास नोजल है ना उसके एंड पे हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, एक ऐसा पंप लगाया हुआ है जो कि एयर को सक कर सकता है, वैक्यूम पंप है जिससे हम प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली रॉकेट्स वगैरह में जिसमें ये फ्लो होता है उससे मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि अगली स्लाइड भी आएगी और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। वो विंटरनेस कह लो, वही हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हम चीज को समझना चाह रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर बैक प्रेशर वैक्यूम के एंड पे जो प्रेशर है उसे कह रहे हैं? हाँ, जो एग्जिट पे प्रेशर है और वो जनरली हम लो एटमोस्फेरिक प्रेशर से लो कर रहे हैं इसलिए मैं उसको वैक्यूम प्रेशर कह रहा हूँ। और यस इट्स सिंपली अ फैन भी हो सकता है वो, ये जिस तरह शहीन ने बात की, अगर हमने नॉर्मल थोड़ा सा प्रेशर लो करना है तो वो हम फैन के एग्जॉस्ट फैन होता है जिस तरह विंड टनल के एंड पे फैन होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा प्रेशर अगर लो करना हुआ देन वी नीड अ वैक्यूम पंप। सर तो कोई भी फ्लूइड जब मार्क नंबर 1 क्रॉस करता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तो चेंज होती हैं, तो हम उसका क्यों नहीं बात करते कहीं भी, मसलन किस तरह की फिजिकल डेंसिटी वगैरह में चेंज आ जाता है? यही तो बात कर रहे हैं, आपके जो ग्राफ है वो क्या एयर क्रॉस कर रहा है, थ्रू एयर क्रॉस कर रहा है तो उसके स्पीड पे इफेक्ट आ जाएगा, हम जितनी स्पीड से जा रहे स्पीड चेंज हो जाएगी उसकी। आप लास्ट लेक्चर में गाइड थे ना? यस सर। ये ग्राफ जो हमने दोबारा देखे इसमें आप देखो ना, ये तो ये डेंसिटी रेशियो है, ये जो कांस्टेंट है ये है एटमॉस्फेरिक एयर की प्रॉपर्टीज है, ये जितने भी एयर डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सिचुएशन लेट्स से। अब जिस तरह देखो ये मार्क नंबर चेंज होता जा रहा है आपके पास डेंसिटी चेंज होती जा रही है। मजीद में आपको बल्कि ये ग्राफ दिखा देता हूं, ये जिस तरह मार्क नंबर चेंज होता जा रहा है ये डेंसिटी चेंज कम होती जा रही है, ज्यादा मार्क नंबर पे कम डेंस है, सिमिलरली ये सॉरी ये डेंसिटी है ये प्रेशर है, ठीक है? तो वो वेरिएशन हमने पहले इसमें की है ड्राइव और देखी है, ठीक है सर। ये प्रेशर किस तरह चेंज होता है, टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है, इसमें गलती थी वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है? तो इससे हमने क्या डिसाइड किया, फॉर गिवन नोजल ज्योमेट्री फॉर गिवन फ्लूइड, अगर मेरे पास एक गिवन नोजल है, लेट्स से मेरे पास फ्लूइड एयर है और मेरे पास स्टैग्नेशन कंडीशन सेम रह रही है, यानी जो मेरे पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही, तो अगर मैंने फ्लो को चोक करवाना है तो बैक प्रेशर की बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू है जो मुझे देनी पड़ेगी। क्या मैं कोई और प्रेशर दूंगा तो वो नहीं काम करेगा, लेट्स से मैं प्रेशर ये दे देता हूँ बैक प्रेशर, तो क्या फिर ये यूं नहीं से ये बिहेव करेगा कि यहां से लेट से ये यूं आता है और फिर यहां से ये यूं चला जाए? हम कह रहे हैं ये ऐसे बिहेव नहीं करेगा क्योंकि लेकिन हम मैं ये बैक प्रेशर तो दे सकता हूं, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये, ठीक है? जब आप P1 एंड P2 के दरमियान कोई प्रेशर देंगे ना तो आपका फ्लो आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगा और फिर एक फिनोमेना होता है, ये क्या है, ओपन चैनल फ्लो में इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते थे? आप देख सकते प्रेशर एकदम से जंप किया, हाइड्रोलिक जंप, हाँ, और कंप्रेसिबल फ्लोस के केस आपके ख्याल से इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? सोनिक बूम।
कह सकते हैं सोनिक बूम एक्चुअली हम उस आवाज को कहते हैं जो कि हमें सुनाई देती है, पर जिस वजह से सुनाई देती है वो होती है शॉक वेव। तो आपके पास मतलब बात वही है कि शॉक वेव की वजह से आपको सोनिक बूम सुनाई देती है, तो ये शॉक वेव डिवेलप होती है। आइसेंट्रोपिकली फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी टेंडेंसी है कि मैं इस कर्व को फॉलो करूं, पर अब देयर कम्स अ टाइम व्हेन फ्लूइड रियलाइजेस यार के यार यहां पे भी तो कोई प्रेशर है, मैं इसी प्रेशर पे चलता नहीं रह सकता, तो उसकी वजह से एक डिसकंटिन्यूटी की जंप आती है। ये जंप आती है तो फ्लो स्विच कर जाता है दूसरी रिजीम में, तो ये आपके पास होता है कि अगर आप इन दोनों के अलावा एक तरह की शॉक वेव ये, दूसरी शॉक वेव ये है जो नोजल को एग्जिट करते ही फ्लूइड, ये जब इसे P3 करना है ना तो ये पूरा इसने यहाँ पे फ्लो करता रहा करता रहा, फिर बिल्कुल एंड पे जाके इसने ये जंप मारी है। क्योंकि ये शॉक वेव ओपन एटमॉस्फेयर में होती है तो इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, ये शॉक वेव विद इन द नोजल है तो इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, बट ये फिनोमेना होता है कि P1 और P2 के दरमियान अगर मैं कोई बैक प्रेशर दूंगा तो मेरा फ्लो आइसेंट्रोपिक नहीं। बाकी आइसेंट्रोपिक आप देख सकते हैं, ये सारा आइसेंट्रोपिक है यहाँ तक, आगे भी इसका बिहेवियर काफी आइसेंट्रोपिक रहता है, मेनली जो ये पार्ट है ना ये एक शॉक वेव आ जाती है डिसकॉन्टिन्यूटी जिसमें लॉसेस भी होते हैं, तो इसको आप ओवरऑल फ्लो को आइसेंट्रोपिक कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए जब हम आइसेंट्रोपिक फ्लो लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये सोल्यूशन आता है। आपके पास जिस तरह हाइड्रोलिक जंप में वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में शिफ्ट होता है, इस तरह इसमें भी ये सुपरसोनिक से सब हमेशा शिफ्ट करता है, यानी ये मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं मार्क नंबर वन पे जो प्रेशर है वो ये है। हाँ नहीं वैसे जरूरी नहीं, आप देख सकते हैं अगर इस पे सिर्फ देखें तो ये सबसोनिक लग रहा है, ये भी सबसोनिक लग रहा है, पर ये वाला पॉइंट सबसोनिक नहीं लग रहा, तो मे भी हमेशा नहीं होगा कि वो सुपरसोनिक टू सबसोनिक जंप करे। इससे जो आपके बुक में अगला टॉपिक है ना वो नॉन, जिस तरह हमने आइसेंट्रोपिक फ्लो डिटेल में पढ़ा है ना, इस तरह डिटेल में नॉन आइसेंट्रोपिक फ्लो का भी फिनोमेना, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उसको ये नहीं समझता था कि इस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, ऑलरेडी कोर्स ज्यादा होता है तो मैंने खुद भी नहीं वो पढ़ा, तो एग्जैक्टली शॉक वेव बिहेवियर और वो सब कुछ वो भी मुझे आइडिया नहीं। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो विंटर बाइन जहाज वगैरह के बजाय, तो जो विंटर बाइन होते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लो से डील नहीं करते, उसमें एयर को आप एज अ कंप्रेसिबल फ्लो ट्रीट नहीं कर रहे होते, तो कंप्रेसिबल फ्लो की मेरी अपनी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, तो वो हमेशा जम करते हैं, लेकिन ये बुक में मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है सर, तो कोई ऐसा तरीका है कि मतलब कोई भी फ्लूइड मार्क नंबर वन क्रॉस कर जाए और उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई चेंज भी ना आए? नहीं देखो ना, आपके पास लेट्स से वेलोसिटी, तो आप एक चीज चेंज कर रहे हो वेलोसिटी, ठीक है, अब वो एक काइनेटिक एनर्जी का वो है इंडिकेटर, अगर आप एक जगह एनर्जी चेंज कर रहे हो तो वो एनर्जीज डिफरेंट, आपके पास ऑप्शन क्या है, प्रेशर की ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी की ऑप्शन है और पोटेंशियल एनर्जी की ऑप्शन है, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो आप इन सब को कहीं ना कहीं चेंज करोगे तो आप उस एनर्जी को कंपेंसेट कर पाओगे आर्टिफिशियली। अब ये ऐसा फ्लो है जिसमें हम फ्लूइड में कोई एनर्जी उसको नहीं दे रहे, उसका कुछ नहीं कर रहे, अगर आप उसमें कुछ एनर्जी इम्पार्ट करो या उससे एनर्जी लो, एडियाबेटिक उसको ना रहने दो, हीट दो या हीट लो, तो मे बी आर्टिफिशियली हम उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, पर तब भी हम सब तो नहीं कर पाएंगे, बट थिंग्स चेंज देन। अभी हम ऐसे कर रहे हैं कि फ्लूइड पे हम कोई वर्क नहीं कर रहे, फ्लूइड को हम बिल्कुल एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे या ना उससे एक्सटर्नल एनर्जी ले रहे, हम उसको अपनी ही एनर्जीज अपनी ही प्रॉपर्टीज को इंटरचेंज करने दे रहे हैं, तो उस केस में ये नहीं हो सकता सर। तो जैसे अगर कोई रॉकेट वगैरह है और वो मार्क नंबर वन क्रॉस कर जाता है और उसके कंपार्टमेंट में जो फ्यूल प्रेजेंट है, हाँ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि वो जल्दी बर्न होगा, डेंसिटी तो कम हो जाएगी? देखो इट्स अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, इट्स नॉट अबाउट जो उसके कंपार्टमेंट में
स्टेशनरी टैंक्स में फ्यूल पड़ा हुआ है वो कुछ डिफरेंस फील नहीं करेगा बिकॉज इट इज नॉट फ्लोइंग इन इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब उसके नोजल्स के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं. ठीक है, और बायर प्रेशर जिस तरह चेंज हो रहा है वो उसके कंपार्टमेंट्स को फील नहीं हो रहा ऑयल के, और अगेन वो एक स्टेशनरी फ्लूइड है वो फ्लोइंग भी नहीं है. तो ये दोनों डिफरेंसेस है क्योंकि आर्टिफिशियली और वैसे ही रॉकेट के अंदर अपना एटमोस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, वो एक सील्ड चीज होगी. ठीक है, अलबत्ता हाँ जो उसके नोजल्स में से फ्लूइड निकल रहा है उसका बिहेवियर बिल्कुल अर्थ के जब वो कर रहा है क्या कहते हैं यार टेक ऑफ कर रहा है और जब वो बिल्कुल एक आउटर एटमॉस्फेयर पे पहुंच चुके हैं और तब भी उसके बूस्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो हाँ अब वो बड़ा डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं और उनका बिहेवियर काफी डिफरेंट होगा जो नोजल फ्लो है. तो ये आपके पास शॉक वेव आ गई, एनालॉजी एनालॉजी बिटवीन कंप्रेसिबल एंड ओपन जनरल फ्लोज पे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उतनी बात करूंगा आगे हम छोड़ देंगे. बट जिस तरह मार्क नंबर है उस तरह फ्राउड नंबर है, जिस तरह आपके पास शॉक वेव है उस तरह आपके पास हाइड्रोलिक जंप है, जिस तरह आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है या प्रेशर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव्स इन वाटर, इसी तरह स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इन एयर है. तो इन सारी सिमिलैरिटीज की वजह से ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि एयर और कंप्रेसिबल फ्लो से रिलेटेड हैं वो हम वाटर में भी कर पाते हैं लैब में. तो उस पर कुछ था वो कि उस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं बट स्टिल ये हमें एक ईजी वे प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट. देन टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लोज हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे. एंड दिस कंक्लूड्स योर फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स. और आप में से कोई ऐसी चीज जो कि मैंने डिस्कस की लेकिन आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट हो तो बुक में उसके लिए एक्स्ट्रा रेफरेंसेस भी गिवन है, बुक में मज़ीद डिटेल भी गिवन है. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये मुझे काइंडली मुझे ये बता दें. तो ऑन योर ओन आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डू एक्सप्लोर इट, पढ़ें, मुझसे पूछना है मुझसे पूछें. बट जो टॉपिक मैं समझ सकता हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमने उसको स्किप कर दिया. बट स्टिल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं पिछले साल भी कोशिश की थी पढ़ाऊँ, इस साल भी कोशिश की पढ़ाऊँ बट हमेशा मुझे टाइम नहीं मिलता. फ्लूइड का कोर्स इतना ज्यादा है. इससे अगला जो आपका चैप्टर है वो है टर्बो मशीनरी पे, टर्बाइन पंप कंप्रेसर जो कि इतनी कॉमनली अक्रिंग इंडस्ट्रियल डिवाइसेस हैं. बट वो फिर आपको समझ नहीं आते कि मैं पहले पढ़ा देता. लेकिन उसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि आगे आपके पास जो एसीएन रेफ्रिजरेशन है और जो पावर प्लांट है ये दोनों उसमें भी आएंगे. जो आपके पास कंप्रेसर है वो एसीएन रेफ्रिजरेशन में आप कुछ कवर कर लोगे, जो आपके पास टर्बाइन है वो आप पावर प्लांट में कवर कर लोगे. तो खत्म हो गया कोर्स, बस खत्म. अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक पे हम कोशिश करेंगे कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप रखना चाहता हूँ एग्जाम में तो उसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? कितने स्टूडेंट समझ, जिस तरह हम क्विज लेते हैं 10 एमसीक्यू तुम्हें क्विज में देता था, लेट्स से मैं फाइनल में 20-30 एमसीक्यूज देना चाहता हूँ जो कि आपने 20 और 30 मिनट में ही करने होंगे. नो सर. नहीं सर, नहीं 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 सर, क्विज नहीं सर. वो तो मैं करूंगा. व्हाट एमसीक्यू अलाउज इज एमसीक्यू, क्योंकि एक एमसीक्यू में मैं ना एक टॉपिक कर सकता हूँ. तो एमसीक्यू मुझे कोर्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की ऑप्शन देता है. वो मैं देख लूंगा टाइम. जी सर, एमसीक्यू सही है.
10 से ज्यादा ना देना फिर 10 देना यार 20 तो दो 20 चलो 20 एमसीक्यूज कर लेंगे मैं एमसीक्यू देख लूंगा उसके लिए आपको 30 मिनट्स दे लेंगे या देख लेंगे सर टाइम एप्रोप्रिएट वो तो बाकी जो 35 या 40 मिनट्स सर पांच चैप्टर है सर सर थ्योरी का दे रहे सर जितने मर्जी लेकिन इस तरह ना एमसीक्यू ना दें सर लेकिन अगेन आपका पेपर बनेगा टॉपिक से हम उसके बाद आएंगे इस वीकेंड इंशाल्लाह मैं आपका पेपर बना लूंगा और यार आपने ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं पता मेरे बारे में उसकी वजह से आपका एमसीक्यू ठीक या गलत नहीं होगा वो एमसीक्यू उस इंफॉर्मेशन के अलावा भी आप सॉल्व कर सकते थे ठीक है और बाकी मैंने लेक्चर में बताया था तो वहां पे वो पता होना चाहिए था तो जो लेक्चर सुनेगा उसका पेपर हो सकता है ठीक और बाकी को शायद कुछ तो बस जहन में तो होना चाहिए ना यार तो खैर ये सारी बात हो गई और हाँ क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल होंगे और ये होगा और मजे होंगे एग्जैक्टली क्वेश्चंस पहले रिलेटेड टू खाली पेपर चेक करने पड़ेंगे यार मेरी तो प्रायोरिटी यही है आप लोग जितना यार टीचर की ड्यू प्रायोरिटी होती है टीचर की प्रायोरिटी पहली ये होती है कि स्टूडेंट पेपर कर ही ना पाए तो बेस्ट है सेकंड प्रायोरिटी ये है कि स्टूडेंट सारा पेपर ठीक कर दे वो सेकेंडरी प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी ये होती है कि स्टूडेंट अपनी लॉजिक लड़ाता रहे और गलत भी कर दे अब मुश्किल ये है कि जिस टीचर ने पेपर सही चेक करना है वो पूरा काट भी नहीं सकता उसने उसकी गलत लॉजिक भी समझनी है और फिर उसने उसमें देखना है कि लेट्स से उसने दो गलतियां कर दी हैं लेकिन उस दो गलतियों के साथ उसने बाकी सारा कॉन्सेप्ट सही लड़ाया हुआ है और बाकी पेपर ठीक किया हुआ है सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कि एक न्यूमेरिकल हो स्टूडेंट उसमें कुछ गलत एजम्पशन ले के लिए या कोई गलत डेटा उठा ले और उसको फिर ठीक सॉल्व कर दे अब आपके पास आंसर जो है वो गलत है हर चीज गलत है लेकिन उसकी उसका फ्लो उसके स्टेप्स ठीक है तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू चेक तो ये ना करना मेरे साथ यार आता है तो सही से कर दो नहीं आता तो जाने दो बाकी अपना क्वेश्चंस फ्रॉम यही तो करेंगे बस तुम्हारी फिर गैस पाइपलाइन का देखता हूं मैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे और फिर जरा वो पार्ट न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर के एंड में वो न्यूमेरिकल यार देखता हूँ बड़े चुन चुन के देने पड़ते हैं फ्लूइड में इतनी वैरायटी है मेरी कोशिश यही होगी कि जिस तरह के हमने कुछ एग्जांपल्स देखी है ना उससे मिलती जुलती चीज हो लेकिन क्योंकि ये ओपन बुक ओपन इंटरनेट है तो और ओपन मैनुअल है तो नहीं है सर इंटरनेट से कुछ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते एग्जांपल्स आपको कराई गई हैं मैं कोशिश करूंगा उसमें किसी तरह का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट हो जाए बट बहुत मुश्किल है यार इस पर्टिकुलरली इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट सर क्या वेटेज है फाइनल की यार इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है 40-45% मैं आपको बता सकता हूँ बट शायद पीसी ने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो मे बी उन्होंने 40% का नंबर दिया तो 40 होगी सर कितने न्यूमेरिकल कितने वो आएंगे यार सारा पेपर अभी आपका बनना है आई हैव नो आईडिया राइट नाउ कि क्या होगा बट
एट मैक्स न्यूमेरिकल भी 50% होंगे. नंबर वैसे भी नंबर में क्या रखे, इट्स अबाउट मार्क्स. तो एट मैक्स न्यूमेरिकल इज 50%. और एक और क्वेश्चन क्या था यार, पहले मुझे बताओ कि ओवरऑल आपने जो फ्लूइड पढ़ी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम को, एग्जाम जिस तरह होता है ना मेरा पेपर वैसा ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा. बट हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट में डालूंगा और वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो भी थ्योरी में से ही होगा. सर वो असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना था लेकिन वो आपने अभी, मुझे आपको प्लस वन नहीं मिलेगा. असाइनमेंट रिलेटेड आपने क्या पूछना है, असाइनमेंट आपकी लास्ट क्या थी, डेट वैसे वो सर वो रेफरेंस, हाँ रेफरेंसेस वो भी आपकी चेक होनी रहती है. इस दफा मैं बहुत वैसे दिल खोल के मार्क्स दे रहा हूँ, टेंशन ना लो. सर इसको एक दिन एक्सटेंड नहीं कर देते सर, अभी तक मुझे नहीं कर देते. चलो तुम्हारे कहने पे नहीं कर देते. सर चलो यार कर देते हैं, रिकॉर्डिंग तो खत्म नहीं सर, ईमानदारी से करते हैं तो बताने कौन कौन से रेफरेंसेस बेस्ड है और ये